काफी बड़ा झील है। भैया वो विष्णु दोल है ना, सवा शिव सागर में घुसने के साथ साथ जो मुझे पहला चीज देखने को मिला गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया और एक नया वीडियो लेके। तो मैं फिलहाल हूँ तिनसुकिया में और मैं जा रहा हूँ आसाम के और एक जो टाउन है शिव सागर। तो बने रहिए मेरे साथ, ये तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तिनसुकिया से जो शिव सागर का डिस्टेंस है वो करीब 130 किलोमीटर है और मैं जा रहा हूँ बाइक से, तो चलिए बने रहिए। तो मैं शिव सागर अभी पहुँच चुका हूँ और मैं शिव सागर पहुँचने के साथ साथ जहाँ पे पहुँचा हूँ वो एक टेम्पल है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मेरे पीछे जो व्यू है इसको देखिए, आपको दिखाता हूँ, रुकिए। नाम है बोरपुकुरी टैंक, काफ़ी बड़ा झील है और इस झील का कंस्ट्रक्शन 1731 से लेकर 1738 तक हुआ था। बहुत ही बड़ा झील है और नाम है आप इस झील का बोरपुकुरी टैंक। और ये ठीक शिवदल के सामने ही जो शिवादोल है मंदिर, शिवादोल के सामने स्थित है। और सबसे बड़ा चीज इस झील में जो मछलियाँ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको देखने को मिला तो आप खुद देख सकेंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ है तो फायदे हुए क्या होगा। हाँ एक बार ठीक है। हेलो दोस्तों, शिव सागर में मैं अभी आ चुका हूँ और शिव सागर में घुसने के साथ साथ जो मुझे पहला चीज़ देखने को मिला वो है एक मंदिर जो तीन हिस्से में बटा हुआ है, एक शिवादोल, एक विष्णुदोल और एक देवीदोल, जो कि तीन भगवान का ही मंदिर है, एक ही जगह में स्थित है, अलग अलग साइड बाय साइड। मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे, आप देखते रहिए। मंदिर विष्णु दोल है ना, दुर्गा। हाँ मुझसे थोड़ा गलती हो गया था, मैं अभी पुरोहित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये विष्णु दोल नहीं, ये देवी दोल है जो कि भगवान दुर्गा का मंदिर है। तो ये है उनका मंदिर देवी दोल। Thank you.
देख रहे हो आप, ये है मेन मंदिर जिसका नाम शायद शिवा, हाँ शिवा दोल है, भगवान शिव का मंदिर। और वो जो ऊपर में आप देख सक, हाँ देख सक रहे हैं, जो वो पूरा गोल्ड का बना हुआ है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और जब धूप निकलता है तो शाइन भी उसका बहुत सुंदर है। चलिए भीतर चलते, भीतर चल के आपको दिखाएंगे। भीतर नहीं जाऊंगा, आपको बाहर से दिखा रहा हूं, क्योंकि भीतर में लोग पूजा कर रहे हैं। और पूजा के टाइम में अच्छा नहीं लगता है सब करने, और भीतर में आपका फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं है, इसीलिए देख लीजिए। सुबह का वेदर ठीक था, लेकिन अभी अचानक से धूप ज़्यादा, हीट और गर्मी सब बढ़ गया। मंदिर के सामने स्कूल है और स्कूल के बच्चे लोग सब इधर में आके, ये मंदिर शिवादोल जो, लेकिन इधर में एक और मंदिर है विष्णु दोल, उसका रास्ता नहीं मिल रहा। ये रास्ता जाता है आपका विष्णु दोल, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। ये गेट भैया वो विष्णु दोल है ना, ये विष्णु दोल। जैसे कि मैंने पहले मंदिर में गया था तो आपको बोला था कि ये विष्णु दोल है, लेकिन बाद में पुरोहित जी से पूछा तो वो देवी दुर्गा का मंदिर निकला देवी दोल। लेकिन ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये विष्णु दोल है, विष्णु दोल भगवान विष्णु का मंदिर। यार एक चीज सही है यार, जब ये बना गया था उस टाइम पे कैसे करके बनाया गया था वो तो वो लोग ही बोल सकते हैं, लेकिन जो मंदिर का आर्किटेक्चर है, लेकिन और जो चीज़ है जैसे जो मटेरियल यूज़ किया होगा, कैसे किया होगा विदाउट एनी मशीन्स, उस टाइम पे उतना एडवांस मशीन्स तो था नहीं हो, फिर भी जो इतना सुंदर सुंदर मंदिर ये लोग बना चुके वो कैसे बनाते होंगे वो लोग ही जाने, हम लोग तो सिर्फ देख सकते हैं। हिस्ट्री के मामले में उतना खास नहीं हूँ, फिर भी जितना मुझे पता चला 1734 को आहोम राजा के द्वारा यह मंदिर बनाया गया। ये मंदिर भी शिवसागर का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का लिस्ट में आता है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ में लोग पूजा करने आते हैं, कुछ लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन बाहर से जो टूरिस्ट है अगर शिवसागर आते हैं तो ये मंदिर सबसे पहले विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि देखने लायक है ये मंदिर, 350 साल पुराना कम से कम, आप हिसाब कर लीजिएगा। और जो प्रिजर्व किया गया है अभी तक
वो मानने लायक है क्योंकि अभी भी एकदम ठीक है। झील के एकदम ही आगे मंदिर, जो आज का नहीं राजा महाराजा का टाइम का मंदिर है। जैसे मैंने आपको बोला था कि असम के राजा ने यह मंदिर बनाया था। इस मंदिर का जो कैंपस है, देखो कैंपस सॉरी बड़ा प्यारा है यार, काफ़ी बड़े एरिया में कैंपस फैला हुआ है, कुछ पार्क जैसा है मंदिर के चारों तरफ। अच्छा फील होता है, लेकिन जो हाई वेदर है या गर्मी है वो कुछ ज़्यादा है। देखो बाबू, देखो पहले जमाने में कैसे ईटा होता था। टूरिस्ट काफ़ी भरे हुए, लेकिन उन टूरिस्टों में जो मुझे कॉमन दिख रहा है शायद यहाँ के लोकल आदमी होंगे, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स है। ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ जो क्या मटेरियल यूज़ किया होगा यहाँ पे। लेकिन ये मंदिर सामने से देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई पहाड़ था एक टाइम पे, जिसको काट के मंदिर का शेप दिया गया। देखने में तो वैसे ही लगता है। आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है ये मंदिर कैसे बनाया गया हो? मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। जो बाकी दो मंदिर है उसके हिसाब से शायद ये जो मेन मंदिर है शिवजी का मंदिर शिवदोल, ये शायद ज़्यादा पुराना होगा। दोनों मंदिर से इसका आर्किटेक्चर भी अलग है, एकदम ही अलग। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, तो शिवदोल, शिवसागर में शिवदोल, विष्णुदोल या देवीदोल जो भी है, एक के साथ में एक ही कैंपस में ये मस्ट विजिट प्लेस है। शिवसागर में अभी तक कोई भी अगर घूमने आए तो ये मंदिर ज़रूर विज़िट किया है। और मैं आप लोगों को भी यही बोल रहा हूँ, अगर आप कभी शिवसागर आते हैं तो ये मंदिर देखना ना भूलिए, ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो कैसा लगा ये मंदिर आप मुझे कमेंट में थोड़ा बोलिए। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और यार वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो। अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, आपका पास तो ऑप्शन है। कोई भी एक दबा दीजिए, दबाना है खाली। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं बनाऊँगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में बोलिए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आया, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश तो कर सकता हूँ, क्योंकि सब आपे लोग का हाथ में है। आपको जो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है वो मुझे बोलिए, मैं चेंज करूँगा।
आपको कुछ अच्छा लग रहा है वो मुझे बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह से मैं और भी वीडियो आपको बना सकूँगा। और सबसे बड़ा चीज़ जो मेरे लिए सच्ची का बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, वो है आपका प्यार, आपका सपोर्ट। मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए। अच्छा ना लगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिसलाइक कर सकते हैं, और साथ में कमेंट भी दे दीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, मैं उसे सुधारूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। शिव सागर का और भी बहुत सारा चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए। जय हिंद।